हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं अभी जा रही हूँ चरौड़ी थ्रेडिंग कराने, कि बहुत ज़्यादा थ्रेडिंग हो रही है मेरी। अब कल एग्ज़ाम है इसलिए अब जा रही हूँ चरौड़ी थ्रेडिंग वगैरह कराने। चलो बनाती हूँ, वहाँ का भी व्लॉग दिखाऊँगी आपको मैं कहाँ कराती हूँ थ्रेडिंग। तो हम बाइक पर जा रहे हैं चरौड़ी। ठंडी ठंडी हवा लग रही है बाइक पर, ठंडा सीधे हवा लगे। चरौड़ी जा रहे हैं, ज़्यादा दूर ना, चरौड़ी पास में ही है, पर बाइक पर ठंड लगे इतने दूर को भी। तो ये वो पार्लर है जहाँ मैं थ्रेडिंग वगैरह कराती हूँ। मैं यही आती हूँ, मैं इन दीदी के पास ही, मैंने बाहर दिखा दे बोर्ड। मैं यही आती हूँ। हाँ, वंशिका ब्यूटी पार्लर ये चरौड़ी में है। मैं यही आती हूँ इनकी थ्रेडिंग वगैरह कराने। सब अच्छा करती है, वैक्सिंग वगैरह मैं सब यहीं से कराती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा करती है दीदी। इस ये वंशिका ब्यूटी पार्लर है, इनके पार्लर का नाम चरौड़ी में ही है, हमारे पास में पड़ता है। तो मैं यहीं आती हूँ थ्रेडिंग वगैरह कराने। ट्रेन का पार्लर छुप गए ये दीदी। ये कह रही है कि मैं छुप जाऊँ, मुझे दिखा दोगे आप? ये वो है दीदी पार्लर वाली, आ नहीं रही बाहर, ये छुप गए अंदर ही। ये भी कैमरा शाय है, ये कैमरा के सामने नहीं आती। तो जो आसपास के हैं यहाँ जरूर ट्राई करना, क्योंकि थ्रेडिंग वगैरह बहुत अच्छी बनाती है। मुझे चरौड़ी में और किसी की थ्रेडिंग वगैरह पसंद नहीं आई, इन्हीं पे आई मैं, तब से इन्हीं पे आती हूँ मैं। अच्छी थ्रेडिंग वगैरह बनाती है ये। ठीक है, तो अब आगे का व्लॉग मैं बाद में बनाऊंगी। तो भाई टाइम हो गया है, 5 बज गए शाम के, और अंजलि खाना वाना खाने की तैयारी में लग रही है। तो कह रही थोड़ा मैं उसका व्लॉग शूट कर दूं। तो चलो देखो क्या बन रहा है आज खाने में, बताता हूँ। ठीक है, आ जाओ। हाँ भाई, क्या बन रहा आज खाने में? घिया। दीदी को भी घिया बन रहा? हाँ दीदी भी घिया खा लेंगे। इस समय मैंने हरी मिर्च डाली, लाल थोड़ी बहुत डाली, इसी में से खा लेंगे दीदी। ओके, कल सीट है, तेरे पेपर भी कल है। बाकी तैयारी ऐसी चल रही है, ज़्यादा अच्छी तो होना रही जीडी के चक्कर में। हाँ जैसे कि या जो संडे गया, या संडे में टेस्ट दिया था, जीडी कितने नंबर आए तेरे वहाँ में? अरे इसमें 90 नंबर आए, बहुत कम होगा स्कोर, क्योंकि लाइब्रेरी भी नहीं जा पा रही ठंड की वजह से, पढ़ाई बिल्कुल डिसबैलेंस हो गई। मॉक टेस्ट में भी कम हो गए नंबर। चल कोई ना, वो तो कल का टेस्ट देगा। हाँ जीडी की एक तैयारी कर ले दीदी, कहाँ जाके सही हो जाएगी। अब कुछ जब एग्जाम दे रहे को आवे ना, ऐसे लगे हमने कुछ पढ़ा ही ना, सब कुछ गोल से हो जावे। मैं तो क्लास ले रही है। हाँ क्लास ले रही है, सीख सकती है। चल मैं भी देख कहीं मेरी गाड़ी की है ना बैटरी दिक्कत कर रही है, एक बार जाके लगवा लियो। कभी फिर सुबह, अरे एडमिट कार्ड भी निकलवा के जा रहा हूँ, एडमिट कार्ड निकलवा के लिया हूँ। कभी फिर सुबह सुबह बखत जाना पड़ेगा वहीं से, तो फिर निकलना फिर दुखी होना पड़ेगा। मुझे लग रहा है वो कॉलेज एंड गया, ऐसे कॉलेज एंड गया और सुबह सुबह की शिफ्ट में ऐसे सुबह से शाम हो जाएगी वहाँ, तो दो पेपर होंगे सुबह एक 9 से 9 से 3 घंटा का होगा, 2.5 घंटा का होगा, 10-11 और 12 बजे ही खत्म है, मतलब 9 बजे अंदर गेट बंद है, 9:30 से पेपर शुरू है। तो फिर 2 बजे से 2 से 5 टूट जाएंगे। ऐसे नहीं पह रहा है। हाँ हाँ चल चल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ पैर लग गया, भाटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपसे कह रहा था बैसला जितना कह लो कोई भाटी को फर्क नहीं पड़ता।
रोते क्यों आप? आपको क्यों हंसी आ रही है? मुझे आपको कुछ नहीं करना, बस मेरी बात बीच में नहीं टोकनी और मेरी हर बात सुननी, क्योंकि मैं आपसे बड़ी हूँ। जब आप मेरे साथ मस्ती करते हैं कैसे लगता है आपको? अगर मैं आपके साथ चुड़ैल के साथ मस्ती कर रहे हो, खुद को चुड़ैल के साथ मस्ती कर रहे हो, खुद को गाय और चुड़ैल कह रहे, जो जिसको जो कहता है ना वो खुद ही वो होता है। अच्छा, इतने झूठ वाले। चल 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 चल, झूठ आप झूठ बोलने वाले नहीं है। बाटी सच सच कह रहे, सच सच। हाँ, बना देना। के चक्कर पापा जी, पागल बना रही है।